दोस्तों, मैं राजू कुमार, यूट्यूब में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं एजुकेशन के बारे में कुछ बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है सभी स्टूडेंट के लिए। उसको अवश्य ये मेरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आज एजुकेशन के बारे में जो बताने जा रहा हूँ, ये हर किसी स्टूडेंट की समस्या है। जिसको भी देखो बोलता है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, बट उस डाटा जो पढ़ते हैं वो अच्छी तरीके से याद नहीं आता। आखिर क्यों ऐसा, क्यों बार बार पढ़ने के बावजूद भी हमको याद नहीं रहती है? कोई तो रीजन होगा। आखिर कोई बड़ा बड़ा जो साइंटिस्ट बना है, इतने बड़े बड़े सक्सेसफुल स्टूडेंट रहे हैं, आखिर उनको कैसे डाटा याद रहा? वो भी तो बहुत ज्यादा मेहनत किए होंगे, डाटा को माइंड में रखे होंगे। तो आखिर हम लोग इतना पीछे क्यों है कि कोई भी डाटा को पढ़ने के बाद उसको अच्छी तरीका से याद नहीं रख पाते हैं? आज उसके सॉल्यूशन पे हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी डाटा को पढ़ने के बाद किस तरीका से उसको याद रखा जाता है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी थी, लेकिन मैंने इसको बहुत ज्यादा डीपली में इसको मैंने इसका सॉल्यूशन जाना, और जब सॉल्यूशन पाया तो मैंने खुद पे अप्लाई किया। आज दोस्तों, मैं जो भी कुछ पढ़ता हूँ सटीक तरीका से उसको मैं अपने डाटा को अपने माइंड में रख पाता हूँ। तो वो मैं साझा करना चाहता हूँ दोस्तों कि वो किस तरीका से आप लोग भी डाटा को दिमाग में रख सकते हैं। आइए कुछ बताते हैं, आप लोग जानिए। दोस्तों, जैसे मैं पढ़ने के लिए गया, तो पढ़ने का भी दोस्तों तरीका होता है। जैसे कोई ऐसे स्टूडेंट होता है वो दिन भर पढ़ते रहता है, बार बार पढ़ता है, एक ही चीज को बार बार पढ़ता है, दिमाग में नहीं रहता है। तो नहीं रहने का कारण दोस्तों, पहली बात, जब हम कभी भी पढ़ने के लिए बैठते हैं दोस्तों, कोई भी चैप्टर निकाले, कोई भी टॉपिक निकाले, हम उसको पढ़ने के लिए गए, रीडिंग की एकदम स्लो मोशन में करना है, कोई फास्ट नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट बार रीडिंग करना है तो स्लो मोशन में करना है दोस्तों। उस चैप्टर को रीडिंग अपना माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है, माइंड इधर उधर ना भटके, एकाग्रचित ध्यान देना है और उस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद दोस्तों आपको सोचना है कि मैंने क्या पढ़ा। अभी आपका दिमाग एकाग्र हो गया, एक दिमाग को थोड़ा शांत करके उस टॉपिक के बारे में आपको दिमाग में रियलाइज करना है मैंने क्या पढ़ा। आप ज्यादा नहीं 30% ही उसका बात आपका अगर माइंड रिकवर देता है कि मैं ये वर्ड पढ़ा, इंपॉर्टेंट जो आपको लगा कि आपके दिमाग में है उस वर्ड को आप रियलाइज करो। आप फिर से उस चैप्टर को रीड करो, दोबारा रीड करने के बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी उसमें कुछ कमी है, उस चैप्टर का कुछ ऐसा पॉइंट है जो मेरे दिमाग में नहीं है, तो तीसरा बार रीड करो। अगर उससे भी नहीं हो रहा है दोस्तों, उसको एक बार रिटेन अपना कॉपी में लिख लो। लिखने के बाद आपको 100% वो दिमाग में आ जाएगी। अब भी बीमारी है क्या, अब भी हम भूल जाएंगे, लेकिन उसको भूलने नहीं देंगे। उसका तरीका ये है, जो भी आप पढ़े हो, आप कोई काम करने के लिए कहीं गए, उस टाइम हम काम करते हैं, मेरी बॉडी काम करती है, पर मेरा ब्रेन कुछ न कुछ सोचते रहता है, कुछ न कुछ फालतू कहीं कहीं घूमते रहता है। उस टाइम अपना ब्रेन को इंगेज करना है, कुछ भी जस्ट पढ़े हैं उसके बारे में सोचना है, उस पर मंथन करना है दोस्तों। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई मूवी देखे आप, कोई मूवी देखने के बाद आप कितनी अच्छा से माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं, आप किसी को भी पूरा स्टोरी उसका बता देते हैं, इसका स्टोरी यहाँ एक एक पॉइंट को आप बक देते हैं। आखिर दोस्तों क्यों, एक मूवी को जब हम बक सकते हैं, एक बुक का पढ़ा हुआ सिलेबस या कोई स्टोरी को हम क्यों नहीं बक सकते हैं? आखिर मुझे क्या कमी है दोस्तों? इसी लेकर के आप उस चीज को, जो चीज को पढ़े हैं, उसको उसके बारे में कल्पना कीजिए, उसका मंथन कीजिए, अपने आप के सामने में अपना उस पेज को उतारिए कि मैंने क्या क्या पढ़ा, अपने माइंड में चिंतन कीजिए उसका। फिर देखिए, आप कभी नहीं भूलिएगा। बार बार जब आप सोने के लिए दोस्तों जाते हैं, सोते समय देखिए, सोते सोते हमको एक घंटा आधा घंटा लगता है बेड पे, उस बेड पे सोते समय जो भी आप 7 दिन पढ़े हो, प्रीवियस 7 डेज, उसको रिवाइज करना दोस्तों बहुत जरूरी है। नहीं तो दिमाग, ये डाटा डेली बाय डेली आता है, तो पीछे वाला भूलने की जो बीमारी है ये तभी दूर होगी जब वो 7 दिन जो पीछे पड़े हैं दोस्तों उसको हम रिवाइज करें अपना माइंड में। रिवाइज अगर हम कॉपी किताब सामने में रख के नहीं कर सकते हैं, तो माइंड से भी कर सकते हैं, इमेजिन करके कर सकते हैं, उसमें मंथन कर सकते हैं। तो सोते समय भी कम से कम आधा घंटा अगर आप करते हैं, तो गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि 7 दिन में जो आप पढ़े हैं, माइंड इतनी ज्यादा फास्ट वो रिवाइज करती है, जो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। या आप मात्र 7 दिन करके देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये भूलने की बीमारी आपकी दूर जाओगी, दूर हो जाएगी। धन्यवाद, आप मेरे सजेशन को मानने के लिए तैयार रहिए। धन्यवाद।